हेलो जी भाई साहब, गोपाल बोल रहा था ईटीवी वाराणसी से। जी बताइए गोपाल जी। भाई साहब कह रहा था, बस एक छोटी सी ये जानकारी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों द्वारा तो लेटर भी जारी किया गया था, हमारे मिर्जापुर संवाददाता ने भेजा भी था, उसमें ये जानना चाह रहा था कल प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी में कार्यक्रम है, क्या उसमें भी आपके पार्टी या आपके उसकी तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा? नहीं, देखिए जो क्षेत्रीय विधायक हैं जी, जी हम उनको नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मैं या मंत्री जी नहीं शामिल होंगे। मतलब अनुप्रिया जी आप शामिल नहीं होंगे, क्षेत्रीय विधायक हाँ। शामिल हो सकते हैं। हाँ मतलब वो उनकी इच्छा पे है जी। उनको देखिए चूंकि प्रोटोकॉल होता है, मंत्री जी प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आएंगे, प्रोटोकॉल है जी। हम उत्तर प्रदेश सरकार के किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे हम। अच्छा, तो जैसा कि अभी हमारी महेंद्रनाथ पांडे जी से भी परसों बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हमारे और उनके बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और जो भी चीज़ें हैं दिक्कत परेशानी हम लोग बैठ के हल कर लेंगे, और हम लोगों ने मिल के ही आशीष जी को MLC बना, हम शामिल होने लगे। जी जी, उनका कहना था कि हम सभी लोगों ने मिल के ही आशीष जी को MLC बनाया है। कोई बात नहीं, उन्होंने वो बनाया है तो हमने भी उनको राज्यसभा में सपोर्ट दिया है जी। अगर उनका ये बयान है जी, तो हम भी उसमें राज्यसभा में हमने भी उनको 9 विधायकों का सपोर्ट दिया है जी। जी, ईमानदारी से हमारे 9 विधायक खड़े रहे जी। जी जी, तो मतलब कल विधायक शामिल हो सकते हैं मंत्री जी, या आपकी वहाँ पे सहभागिता नहीं रहेगी कहीं भी? देखिए हमने विधायक पे इसलिए नहीं रोका है क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है जी। बिल्कुल, उस प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जी। जी, हमारी प्रधानमंत्री से कोई नाराजगी नहीं।